नमस्कार, आप देखें नागौर न्यूज भारत। खबरों के लिए चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करें। बता दें 213 शहरों में गुरुवार से इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ हो चुका है। 8 रुपए में अब गरीबों को मिलेगा भोजन। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 100वीं जयंती पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका वर्चुअल शुभारम्भ किया। कुचामन शहर में भी बस स्टैंड पर इंदिरा रसोई योजना का शुभारम्भ प्रातः 11 बजे किया गया। अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे जो वेबसाइट वेब पोर्टल मोबाइल ऐप का विमोचन करना। सर हमारी वेबसाइट है जिसमें सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी, स्कीम के बारे में, रसोई के बारे में, संचालक की उस तरह की सारी चीजें रहेगी। सर ये हमारा पोर्टल है जिसमें पूरी रसोई को मैपिंग किया, जैसे एनालिटिक्स वगैरह आएगी ऑप्टिमम बेनिफिट्स के लिए, इससे वो कूपन वगैरह जनरेट होंगे तो गवर्नेंस और इसको ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लें उसके लिए काम आएगी। सर ये ऐप है सर जिसे किसका ही नेट कनेक्टेड नहीं होती, तो सबको जो रसोई संचालक एज वेल एज हमारे जो कर्मचारी उनके ऐप रहेगा, मॉनिटरिंग में काम आएगी, पर्याप्त सुरक्षित रहेगी सर, अच्छे से पूरे स्कीम चले सर आईटी के सहयोग से। हमें सर 7 जिला मुख्यालय कनेक्टेड है सर, उनसे समाप्त के सर को निवेदन करना चाहूंगा सर, जहां आज हो रहा है सर, एक एक करके उतना है सर। बहुत बहुत बधाई मंत्री जी आपको भी और धन्यवाद तमाम संस्थाओं को जिन्होंने आगे आकर के इंदिरा रसोई योजना में भाग लेना स्वीकार किया। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही ये कामयाब होगी और सबसे पहले मैं राजसमंद के आरती हॉस्पिटल परिसर सत्संग नाम विश्वास वहां से जुड़ना चाहेंगे। विश्वास सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विश्वास संस्थान परिवार की तरफ से और बीसी में जुड़े सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ। हमारी संस्था महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही है सर, और जब हमें पता चला कि आपकी इतनी महत्वाकांक्षी योजना और आप उसे लागू करना चाह रहे हैं, तो हमने इसमें सर मोटिवेटेड हो गया, उसमें पार्टिसिपेशन किया और जिला प्रशासन के सहयोग के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बाकी इसमें सर हमने 2-3 बातें और रखी है कि हम चाह रहे हैं कि इस रसोई को महिलाओं के द्वारा ही ऑपरेट करें और इसका प्रयास कर रहे हैं, और इसमें जो भी खाना बनाने से लेकर सर्विंग और इसको मेंटेन करने का काम भी महिलाएं करेंगी, और उनको इसके लिए हमने रसोई और संभाग आयुक्त जिला कलेक्टर आयुक्त सभी लोग बैठे रहे तो भी करता हूँ कि सब लोग मिल करके आने वाले वक्त के अंदर बहुत शानदार तरीके से इस काम को अंजाम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बधाई आपको। पूर्णा का स्टैंड परिसर परिसर हरिमोहन सेवा संस्था हरिमोहन सेवा संस्था बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि आपके सरकार के द्वारा हमें सेवा का मौका मिला है और हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि 100% अच्छे से अच्छा भोजन उपलब्ध कराएं। सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। ये 13 मार्च 2020 को आपने इसकी घोषणा की थी कि कोई भूखा न सोए, इसलिए हम ऐसी योजना बनाएंगे और उस योजना में जो पिछले सरकार के द्वारा जो चल रही थी योजना उसमें आपने परिवर्तन चाहा था कि इसकी बहुत शिकायतें हैं और लोग संतुष्ट नहीं है। आपने 3 प्रमुख सचिवों की एक कमेटी बना करके उसको बेंगलोर भेजा, कर्नाटक भेजा, मध्य प्रदेश भेजा और चारों तरफ चार। आज तो क्या की तरफ से है, कैसे नहीं देने? बाकी दिन 8 रुपए देने। में 8 रुपए में प्रतिदिन एक समय का भरपेट भोजन दिया जाएगा और 12 रुपए जो संस्था संचालित करेगी उसको गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। तो 8 रुपए में जहाँ पे बड़े बड़े होटलों में 10 रुपए में चपाती आती है, वहाँ मात्र 8 रुपए में भरपेट भोजन जिसमें दाल है, सब्जी है, चपाती है, चावल है, तो यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना है गवर्नमेंट की और इससे जो ये गरीब तबका है, फुटपाथ पे रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अभी जैसा कुचामन सिटी में आज का जो भोजन है वो काबरा परिवार की तरफ से दिया जा रहा है और जैसा कि मुझे जानकारी दी गई है कि कुचामन विकास समिति द्वारा 1 माह के भोजन की भी व्यवस्था की गई है। ये बहुत ही बढ़िया कदम है, दानदाताओं की कुचामन में कोई कमी नहीं है। ये गवर्नमेंट की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, आप देख सकते हैं किस तरह लाइन लगी हुई है, इससे गरीबों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सामाजिक संस्थाओं को किस प्रकार से आप प्रेरित करोगे कि संस्थाओं से? ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। जैसा कि ये 150 व्यक्तियों को भोजन कराया जाएगा तो लगभग 3,500 रुपये का इसमें खर्चा आता है। यदि कोई संस्था इस भोजन को प्रायोजित करती है तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, पर कुचामन में बहुत सारी संस्थाएँ हैं तो उनका सहयोग लेंगे। अभी लगभग 1 महीने की व्यवस्था हो गई है, आगे से उनसे टच में रहेंगे, उनसे बात करते रहेंगे और ये कोशिश करेंगे कि साल भर का भोजन इसी तरह से फ्री करवा दिया जाए।
सर मुख्य बस स्टैंड है जहाँ मुसाफिर खाना था, जिस जगह इंदिरा रसोई का ये शुरुआत की गई, यहाँ पर रात्रि को आने जाने वाले यात्रियों का जो विश्राम गृह था, यहाँ पर जो संचालित किया गया है। ऐसा है बस स्टैंड जो है वो नई जगह शिफ्ट हो रहा है, और इस इंदिरा रसोई योजना के लिए हमें ऐसी जगह देखनी थी जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, चाहे वो बस स्टैंड हो चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, और यदि आने जाने के लिए किसी को दिक्कत होती है तो अपना ये जो है रैन बसेरा चमन सिटी की तरफ से रैन बसेरा बना हुआ है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे रुक सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं। राजस्थान सरकार द्वारा आज उद्घाटन किया गया इंदिरा रसोई योजना का, जिसके अंतर्गत चमन सिटी में कुचामन स्वयंसेवी संस्था लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट, इसमें इंदिरा रसोई योजना का संचालन इनके सहयोग से किया जाएगा, जिसमें 8 रुपये में पर पेट भोजन दिया जाएगा, जिसमें 12 रुपये राजस्थान सरकार की तरफ से अनुदान है। यहाँ पर जो 8 रुपये में जो खाना दिया जा रहा है उसमें 100 ग्राम दाल, 250 ग्राम चपाती, अचार और 1 सब्जी दी जाएगी और भरपेट खाना दिया जाएगा। और इसके अलावा चमन शहर में जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके द्वारा भी इसमें सहयोग किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आम नागरिकों से अपील करता हूं कि वो अपना चाहे जन्मदिवस हो, शादी की सालगिरह हो, घर में किसी भी प्रकार का खुशी माहौल का दिन हो, उस दिन में वो अपनी तरफ से इंदिरा रसोई योजना में भोजन आयोजित कर सकते हैं। जिस दिन जिस परिवार की तरफ से भोजन होगा उसकी यह सूचना बोर्ड पे नाम पट्टी का लगाई जाएगी कि आज का जो भोजन है फलाने परिवार की तरफ से है। इस प्रकार से दानदातों, वामसों और स्वयंसेवी संस्थाओं लोगों के सभी के सहयोग से इसका संचालन किया जाएगा। बहुत ही शानदार योजना है। इसका निरीक्षण में जो बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा है, इसमें मैनेजमेंट का जो भी व्यक्ति आएगा उसको कूपन देने से पहले उसका नाम और उसकी फोटो ली जाएगी, और राजस्थान सरकार द्वारा इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसमें जिस दिन जितने कूपन जारी किए जाते हैं उस प्रत्येक व्यक्ति की डिटेल, फोटो और उनके नंबर ऑटोमेटिक कंप्यूटर में सेव हो जाते हैं। इस प्रकार से इसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है कि आज सुबह के समय कितने लोगों को खाना दिया गया, और इसमें CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। इस प्रकार से इसकी बहुत अच्छी मॉनिटरिंग की जा रही है।